आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की वर्कशीट, इसका नंबर है 20 और आज हमारी डेट है 3rd दिसंबर। आपको याद ही है हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में बात कर रहे थे और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी समझेंगे। आपको याद होगा आपने पिछली कक्षाओं में सीखा था कि किसी भी नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। आपको याद होगा, मैं आपको बस यहाँ पर रिवीजन करा देती हूँ और इसका बहुत डिटेल में अभी हम इसके बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं और हम क्या करते हैं, जो पहला नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई में बाकी नंबर्स के बराबर वाले टेंस, थाउजेंड्स, लैक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 40 और 40 से हमारा क्या बनता है, तो आप बोलोगे यहाँ पर हमारा बनता है 10,000। हमने क्या किया, 4 के साथ 10,000 को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का निशान लगाया। नेक्स्ट नंबर क्या था हमारा, तो हम कहेंगे 7 था, 7 के साथ एक जीरो कम कर दी तो बन गया, बच गया हमारा 1000, 7 के साथ 1000 को मल्टीप्लाई किया। फिर नेक्स्ट नंबर था हमारा 5, फिर हमने एक जीरो कम कर दी, प्लस करके 5 को इस बार 100 से मल्टीप्लाई किया। फिर नेक्स्ट नंबर 6 है तो प्लस करके 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर नेक्स्ट नंबर 1 है तो प्लस करके 1 × 1 लिख देते हैं या फिर 1 का 1 भी लिख देते हैं। तो हम दोनों कर सकते हैं, 1 के साथ 1 भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, पर ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो अब आप जानते हैं कि ये जो नंबर है इसको हमने सीखा था पावर में लिखना, कैसे लिखेंगे, 40 है तो हम इसको 10^4 लिख देंगे, 30 है तो 10^3, 20 है 10^2, 10^1, इस तरह से हम लिखते हैं। और जिसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, तो यहाँ पर हम 10^0 लिख सकते हैं, 1 के बाद 10^0, क्योंकि इसका मतलब 1 होगा और 1 को 1 होगा और 1 को हम किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 ही रहता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसे फाइनली हम करके देख लेते हैं। आज हम वैसे भी दो चीज़ें सीखने वाले हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो अभी हम करेंगे और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म, इन दोनों में हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं या बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब वही एक्सपेंड करना और फिर पावर्स में लिखना, और स्टैंडर्ड फॉर्म ये जो हमारे लिए एक अलग और ख़ास तरह का टॉपिक है। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला एग्जांपल देख लेते हैं जो ऊपर दिया गया है, उसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर इस नंबर को हम देखें तो सबसे पहले हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 के साथ 1 लाख यानी कि 1 के साथ 50, फिर प्लस में जो सेकंड नंबर है 9 के साथ 40 यानी कि 10,000 की मल्टीप्लाई, फिर 0 के साथ 1,000 की मल्टीप्लाई, फिर प्लस में 8 के साथ और एक जीरो कम करके 100 की मल्टीप्लाई, फिर प्लस में 7 के साथ और एक जीरो कम करके 10 की मल्टीप्लाई, फिर 8 के साथ 1 की मल्टीप्लाई। और फिर आपको पता ही है इसे हम चेंज करके लिखेंगे पावर फॉर्म में, 10^5 + 9 × 10^4 + 0 × 10^3 + 8 × 10^2, इसी तरीके से हम इसे टिल एंड करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हमने 10 का लिखा 10^1 और मैंने आपको बताया था 1 की जगह पर हम 10^0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10^0 का मतलब है 1, जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से लिख देंगे। ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना हमें सिर्फ ये होता है कि जो फर्स्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसके जस्ट बाद आपको डेसिमल लगाना होता है, और डेसिमल लगाकर बाकी जो नंबर्स बचते हैं उसको आप एक्सप्रेस करेंगे पावर फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
लेट्स स्टार्ट, एक बार इसे भी देख लेते हैं। जैसे मान के चलो ये एक नंबर है हमारे पास और इसे हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पर ऑलरेडी डेसिमल है, लेकिन डेसिमल कहाँ पर है? डेसिमल है 5 नंबर्स के बाद, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल को फर्स्ट नंबर के बाद लगाना होता है। तो फर्स्ट नंबर 3 है, ये डेसिमल 3 के जस्ट बाद आना चाहिए। तो अगर हम 7 के पीछे से डेसिमल को उठाकर 3 के पीछे लेकर जाएंगे तो बीच में कितने नंबर हैं? तो आप कहेंगे यहाँ पर 4 नंबर हैं, 1, 2, 3 एंड ये 4। तो हमें क्या करना होगा, इसको आगे लेके जाएंगे, यहाँ पर लेकर आए, और क्योंकि 4 नंबर बीच में थे इसलिए मल्टीप्लाई में हम 1 के साथ 4 ज़ीरो लेंगे, यानी कि कितना हुआ ये 10,000 हुआ। इसको 10,000 को फिर हम पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 10^4 आएगी और ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमें डेसिमल कहीं पर भी नहीं दिया है और हमें पता है अगर डेसिमल कहीं पर भी नहीं है और अब हमें डेसिमल 3 के बाद लगाना है तो जितने भी नंबर बचे पीछे उन सबको काउंट कर लीजिए। तो 3 के बाद अगर हम डेसिमल लगा दें तो बाकी जो नंबर बचे ये हैं 5 नंबर। तो 1 के साथ 5 ज़ीरो लगाएंगे यानी कि 1 लाख लिखेंगे, 3.90878 मल्टीप्लाई 1 लाख यानी कि 1 के साथ 5 ज़ीरो, और उस 5 ज़ीरो को हम पावर में लिख देंगे 10^5। ये जो आया ना हमारा ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब आप पढ़ते हैं बुक्स में तो आपने अक्सर देखा होगा हमें डायामीटर दिया होता है सन का, मून का, या हमें उनके साथ हमें दूरी बताई गई होती है कि हम उनसे कितनी, वो कहाँ पर हैं और हम अगर अर्थ पर हैं तो हमारे बीच में कितनी डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस को उन्होंने इसी तरीके से शो किया होता है। हम अब प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू, और अगर हम सम्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या सन मून के बारे में बताना चाह रही हूँ और आपने क्या देखा है बुक में। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है, दोनों चीज़ करनी है। मतलब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला नंबर ले लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक और दो एग्जांपल करके दिखाऊंगी, बाकी मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं, आप वहाँ से आप खुद करेंगे और फिर मैच करेंगे। तो सबसे पहला नंबर है हमारा ये, 2 के बाद कितने नंबर्स हैं? तो आप कहेंगे 5 नंबर्स हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 10 के, वो 1 के साथ 5 ज़ीरो लगा देंगे प्लस, यानी कि अगर हम कहें 1 लाख लगाया प्लस 7 के साथ 10,000 प्लस 9 के साथ 1,000, 4 के साथ 100, 0 के साथ 10 और 4 के साथ आप 4 भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो लिखें, ना चाहें तो कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, आप लिख दीजिए मल्टीप्लाई 1। मैंने कहीं पर भी मल्टीप्लाई 1 नहीं लिखा है, आप चाहें तो सभी जगह पर लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसे वापस पावर में कन्वर्ट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 10^5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10^4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10^3। देन इसी तरीके से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे और लास्ट में जहाँ पर हमारा 1 है वहाँ पर 10^0 हो जाएगी। इसी के बाद हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। कितने नंबर हैं हमारे 2 के बाद? तो हम कहेंगे 5 नंबर हैं, यानी 2.79404 लिखने के बाद आप 1 के साथ 5 ज़ीरो लिख दीजिए और फिर उसे कन्वर्ट करके पावर फॉर्म में लिख दीजिए। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर आ गया है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये एग्जाम्पल है सम है, हम इसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 के बाद कितने नंबर्स हैं? तो आप कहेंगे 3 के बाद फिर 6 नंबर हैं। तो इस बार हम 6 ज़ीरो ले लेंगे यानी कि 1 करोड़ ले लिया हमने, 3 मल्टीप्लाई फिर 0 के साथ 1 ज़ीरो कम, एक यहाँ पर 1 ज़ीरो कम की 5 आ गया, 1 लाख आ गया, फिर 1 ज़ीरो कम की, फिर ये 4 टाइम 0 है तो 10,000 हो गया। इसी तरह से आगे आगे हम करते चले जाएंगे और उसके बाद फिर इसे पावर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है तो फिर वही करेंगे जो हमने किया था। तो 3 के बाद कितने नंबर हैं? तो हमने कहा 3 के बाद 6 नंबर हैं। तो हमने 1 के साथ 6 ज़ीरो ली, 1 करोड़ लिया,
और इसके साथ हमने इसे यहाँ डेसिमल लगा के मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा, देन इसको पावर फॉर्म में लिख दिया। ये हो गया हमारा आंसर। तो अब मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें एक्चुअली करना क्या है। अब वापस एक बार सम्स की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पर पहला सम दिया है, जहाँ यहाँ पर हमें सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो मैंने आपको कहा कि हम बुक्स में अक्सर पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इस लाइट की स्पीड बताई गई है, और उसे इन्होंने कहा है कि इसको कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर डायामीटर बताया गया है सन का, और इसी तरीके से बाकी भी कुछ सम्स हैं। तो सबसे पहले मैं हम ये दोनों देख लेते हैं, उसके बाद आगे आप देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको फोर्थ और फिफ्थ फर्स्ट के दोनों पार्ट कर दिए हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा सेकंड सम है। तो ये हमारी हमारा फर्स्ट सम था सेकंड का। तो थ्री के बाद अगर हम डेसिमल लगाते हैं तो कितने ज़ीरो हैं पीछे, या कितने नंबर हैं पीछे? तो हम कहेंगे कि 8 नंबर हैं। तो 3 के बाद डेसिमल लगाकर जितने भी नंबर्स थे उनको हमने लिखा, और 1 के साथ उतनी ही ज़ीरो लगाई जितने नंबर डेसिमल के बाद थे। तो 8 नंबर थे, तो इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो 10 की पावर 8 हो गई। 3 के बाद डेसिमल लगाने के बाद सिर्फ ज़ीरो थे। अगर डेसिमल के बाद सिर्फ ज़ीरो ही ज़ीरो हों तो उन्हें हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि 3 डेसिमल के बाद जितने भी ज़ीरो हैं, इसका मतलब है कि इसका मतलब 3 ही है, उन ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं। तो हम सिंपल 3 लिख सकते हैं। ये हमने सिंपल 3 लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसी तरीके से हम देखते हैं ये फॉर्म जो हमें दी गई है, ये जो हमारी निकल कर आई, यही हमें बुक्स में अक्सर पढ़ने को मिलती है। इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमें दिया गया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो बाकी नंबर्स गिन लेंगे कितने हैं। तो हमने कहा बाकी बचे 9 नंबर्स, तो 1.4 बाकी सब नंबर्स भी लिखे 4 के साथ साथ। अब हमें 1 के साथ 9 टाइम ज़ीरो लगानी है। क्यों लगानी है? क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर्स ही थे एज यूजुअल, जैसे अभी तक हम करते आए हैं। अब 4 के बाद सिर्फ ज़ीरो दी गई हैं, तो इन ज़ीरो को हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये लिख दिया हमने 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। और इसी तरीके से हमारे बाकी सारे सम्स किए हुए हैं, और यही हम पढ़ते भी हैं। जैसे ये आपके लिए बहुत जाना पहचाना नंबर है जो हम अक्सर पढ़ते हैं। क्यों है जाना पहचाना? क्योंकि आप अपने सम में देख सकते हैं, ये डिस्टेंस है अर्थ और मून की, जो हमें अक्सर पढ़ने को मिलती है। जैसे आपने सिक्स्थ में जियोग्राफी में आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, जो हमने सौरमंडल वाला सन एंड उसकी फैमिली के बारे में जब हमने पढ़ा, तो ये इस तरह के डाटाज हमें दिए हुए थे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप कि इससे आपको समझने में और आपका होमवर्क करने में दोनों में हेल्प मिली होगी। तो महाअध्ययन की तरफ से आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें, आप अपना होमवर्क ईजिली करते रहें, वर्कशीट को भी समझ सकें। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि महाअध्ययन चैनल चलता रहे, और उसके लिए ज़रूरी है कि महाअध्ययन को लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स मिलते रहें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में हो सके तो शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, कलर चेंज हो जाएगा और अब लिखा होगा वहाँ पे सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।